बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने लाहौर के कजाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी मैच के दौरान T20 क्रिकेट में धूम मचा दी। 44 गेंदों पर 69 रन की शानदार इनिंग्स ने उन्हें एक और संगे मील हासिल करने में मदद दी। पाकिस्तानी कप्तान आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि बाबर आजम अपनी 108वीं T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ बाबर आजम के कुल चौकों की तादाद 409 तक पहुँच गई है। बाबर आजम ने 36 इनिंग्स में 407 चौकों की पॉल स्टर्लिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली 109 इनिंग्स में 361 चौकों के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि रोहित शर्मा 143 इनिंग्स में 360 चौके लगाकर चौथे नंबर पर हैं। मजीद बरा पाकिस्तान के बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच का 76 मैचों में तारीख में सबसे ज्यादा T20 में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।